पेश है हिंदी जबान में अपडेट। भारतीय सशस्त्र बल निरंतर कश्मीर की सड़कों पर निर्दोष कश्मीरियों का रक्त बहा रहे हैं। फासिस्टवादी मोदी ने अपनी क्रूर सेना को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में रक्तपात की खुली छुट्टी दी हुई है। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता है जब कश्मीरियों को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा टारगेट नहीं किया जाता। भारतीय सशस्त्र बल कश्मीरियों के व्यवस्थित जाति संघार में व्यस्त हैं। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा की जा रही निरीह हत्याओं के विरुद्ध भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में आज शुक्रवार को पूर्ण बंद है। भारतीय सशस्त्र बलों ने अपनी नवीनतम रक्तपात की कार्रवाईयों में एक सप्ताह के भीतर 11 से अधिक युवकों का रक्तपात कर दिया। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जहां मानव अधिकारों के बिना जीवन व्यतीत कर रही हैं। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में गत 7 दशकों से अधिक समय से निर्दोष कश्मीरियों का निरंतर रक्तपात हो रहा है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में सन 1989 से अब तक भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 95,980 से अधिक कश्मीरियों का रक्तपात किया जा चुका है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर भारतीय नाश व मृत्यु का तांडव, सार्वभौमिक मानव अधिकार संगठनों के लिए एक चैलेंज। कश्मीर के रक्तपात के क्षेत्र विश्व की अंतरात्मा के द्वार पर हैं। राष्ट्रसंघ कश्मीर मुद्दे के समाधान तथा कश्मीरियों के रक्तपात को बंद करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।